मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच था ये। अगर उनको नेक्स्ट सीजन, आई एम नॉट सेइंग यूसीएल, अगर उनको नेक्स्ट सीजन यूरोप के लिए कम्पीट करना, बट रीस जेम्स मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच था। मतलब इतने ज्यादा चांसेस उसने क्रिएट किए हैं, इतना ज्यादा उस विंग से, इसने राइट विंग से इतना ज्यादा तंग किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स, योर न्यू होम फॉर लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज, प्रीव्यूज, ट्रांसफर टॉक्स एंड सो मच मोर। सो टॉपिक तो आप लोगों को थंबनेल से दिख ही गया होगा, इट्स अ रिव्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। एंड सच बोलूँ तो ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं इसमें, बिकॉज एज एक्सपेक्टेड ही दोनों टीम्स खेली जो एक्सपेक्ट किया गया था दोनों से। बट यस, प्लेयर्स एंड कुछ जो मूवमेंट्स हुए हैं स्पेशल, उन पर बात करनी तो बनती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी के गेम पे, परफॉर्मेंस पे, कैसी इनकी परफॉर्मेंस रही। सो सच बोलूँ तो दोनों की परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं लगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी दोनों ने और वैसे ही खेला इन दोनों ने। चेल्सी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वहाँ पे फिर भी कुछ बात करने लायक है, मेन्यू में तो कुछ मुझे लगता नहीं है। चेल्सी से फिर भी एक अच्छा फुटबॉल देखने को मिला, एक्सपेक्टेड था मैनचेस्टर के अगेंस्ट, यूनाइटेड के अगेंस्ट। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था मिडफील्ड, डिफेंस, रूडिगर, थियागो, एसपी। ऐसी टीम में किसी एक प्लेयर की बात करनी बनती है, दैट इज रीस जेम्स फॉर मी। वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है इस टीम के लिए। इसी सीजन चेल्सी ने बहुत ज्यादा सफर भी किया है, जब उनके चिलवेल एंड और रीस जेम्स दोनों ही इंजरीज के थ्रू बाहर हो गए थे, तो चेल्सी का जो टाइटल रेस थी वो खत्म हो गई थी लीग की। तो बात बाद में करते हैं, बट रीस जेम्स मेरे ख्याल से बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच था। मतलब इतने ज्यादा चांसेस उसने क्रिएट किए हैं, इतना ज्यादा उस विंग से, इसने राइट विंग से इतना ज्यादा तंग किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। टेलिस टेलिस की हालत बुरी हो गई थी यार, टेलिस की हालत बुरी हो गई थी। वो कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको पसीने निकल गए थे, मैं कैसे रोकूं उसको। रैशफोर्ड एंड टेलिस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रीस को रोकना, बट रीस जेम्स रुक ही नहीं रहा था। बिकॉज पहली बात तो टेलिस और रैशफोर्ड में कोई कोऑर्डिनेशन कोई दिख ही नहीं रहा था, कि वो लग रहा हो कि वो रीस जेम्स को कुछ ऐसे प्लान बना रहे रोकने का, पर वो बिल्कुल ही रोक पा रहे थे, क्योंकि रैशफोर्ड इतना ज्यादा फॉल बैक भी नहीं कर रहा था जितना उसको करना चाहिए। बिकॉज रीस जेम्स ने सही में बहुत बुरी हालत करती थी टेलिस की। एक टाइम पे टैक्टिकल चेंज हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, मैटिच को उस विंग के पास कर दिया था, ज्यादा क्लोज कर दिया था। रीस जेम्स, टेलिस और रैशफोर्ड से तो बिल्कुल नहीं संभल रहा था, तो अब तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी उसके रन्स रोकना, उसके क्रॉसेस रोकना। क्रॉसेस उसके यार कितने ज्यादा क्वालिटी वाले क्रॉसेस होते हैं, इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है उसके क्रॉसेस में, इतने ज्यादा पिन पॉइंट होते हैं उसके क्रॉसेस में। एंड जो गोल पड़ा था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो भी उस क्रॉस के थ्रू ही पड़ा था। उसने इतनी प्यारी बॉल बनाई थी काई हैवर्ट्स को, काई हैवर्ट्स के हेड लग के मार्को अलोंसो के पास बॉल आ, बिलीव मी मैंने 90-95% देखा है। मार्को अलोंसो के पास जब उस पर्टिकुलर एरिया में बॉल आती है, उस एरिया में मार्को अलोंसो वो गोल करता ही है। 90-95% वो गोल वो जाएगा, वो गोल होगा, एंड वो हुआ भी। इन क्रेडिट गोज टू रीस जेम्स। रीस जेम्स जैसा यार प्लेयर एक मैड्रिड को मिल जाएगा, बिकॉज आई एम अ मैड्रिड फैन, एंड लिंक्स भी आ रहे थे, बट मेरे को पता है वो सारे वेस्ट हैं, सारे वेस्टफुल लिंक्स रूमर्स हैं, बिकॉज रीस जेम्स वो आता नहीं है। पहली बात, इंग्लैंड वाले प्लेयर्स पसंद नहीं करते इतना लीग छोड़ के जाना। एंड रीस जेम्स का यार बहुत क्लियर भी है मामला, बहुत क्लियर है उसका फंडा, कि अगर उसको फ्री में भी खेलना पड़े इस चेल्सी टीम के लिए वो खेलेगा। एंड इतना क्वालिटी वाला प्लेयर, अगर मैं जस्ट इमेजिन भी कर लूँ रियल मैड्रिड में अगर आता है एज अ राइट बैक, तो मैड्रिड के तो भाई क्या बोलते हैं वो, वारे न्यारे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी पीछे से। बिल्डअप कितना अच्छा वो करता है पीछे से रीस जेम्स, डिफेंसिवली वो बहुत स्ट्रांग है, पेस है, क्रॉसेस हैं, मतलब प्रॉपर टेक्टिकल बंदा यार वो। अगर और किसी प्लेयर पे बात करना बनती है तो वो डेफिनेटली दे गया पे बनती है। अगेन दे गया ने इतने सारे सेव्स किए हैं, इतने सारे उनके गोल रोके हैं। एक तो बहुत ही क्लियर गोल रोका था जो उसने पेट पे वो बॉल खाई थी, जॉर्जिनो टू कांटे, कांटे टू हैवर्ट्स, मतलब फिर तीन पासेस में पूरा डिफेंस उनका ऐसे ऐसे खुल गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। पता नहीं उसने कैसे वो फिनिश नहीं करी, बट अगेन डे गया का वो सेव बहुत ज्यादा बड़ा सेव था, बिकॉज वो तो 100% गोल जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे वो मिस कर दिया, खासकर हैवर्ट्स जैसे बंदे ने जो कि इतना लीथल है वो व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग। बट अगेन डे गया की अप्रिसिएशन तो बिल्कुल बनती है, 1-1 अगर हुआ है कहीं ना कहीं देगा का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज्यादा सेव्स उसने किया गया। चेल्सी ऑन द पिच
क्लियरली दिख रहे थे बहुत बेटर हैं वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बट स्टिल चेल्सी को भी कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो इतने ज़्यादा गोल स्कोर नहीं कर पाते हैं। बट स्टिल चेल्सी बहुत क्लियर थी, बहुत बेटर थी यूनाइटेड पे, तो बहुत ज़्यादा क्लियर था कि चेल्सी दे वर द बेटर टीम। बट अगर स्टैट्स की भी बात करें, चेल्सी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। 21 शॉट्स लिए थे, 6 वर ऑन टारगेट, और वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6 शॉट्स लिए थे और 3 ऑन टारगेट थे। तो स्टैट्स भी दिख रहा था, पोजीशन भी चेल्सी के पास था, क्वालिटी प्ले 1-1 बहुत अच्छा था यार। ऐसे तो ड्रॉ हुआ है, बट अगर कोई जीतना डिजर्व करता था, विन वो डिजर्व करता था, वो क्लियरली चेल्सी होती, नॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैंने आपको बताया ही है, जितना मैं इनको देखता जा रहा हूँ इस सीजन, उतना ही मुझे वर्स्ट लगते जा रहे हैं। कुछ इनके कोई अगेन कोई मुझे फिलोसफी नहीं दिखती है। मतलब रोनाल्डो को इस गेम में तो देख के मुझे तरस आ गया है उस बंदे पे। वो बंदा आगे भी भाग रहा है, वो बंदा पीछे भी आ रहा है, वो बंदा हर चीज कर रहा है। वो एज अ लीडर उनको लीड कर रहा था, अटैक करो हर चीज उसने करी। बट स्टिल अलोंजो ने जब पहला गोल मार दिया था, रोनाल्डो की शक्ल देखने वाली हो गई थी। बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की गोल की जो ब्रिलियंस बोल सकते हैं, उसने जो बॉल नीचे से, उसने फर्स्ट टच जो लिया था, वो जो टच लिया था वहीं वो गोल डिसाइड हो गया था कि वो गोल अब जाने वाला है। क्योंकि रोनाल्डो की फिनिशिंग वी ऑल नो, वहां से तो वो गोल छोड़ने नहीं वाला था। उसने वहां से हम बोल सकते हैं पटाका भर दिया था, जो कि मिंडी कुछ भी नहीं कर सकता था उसके अगेंस्ट। बट वो जो टच था, वो जो बॉल वो टच लेके नीचे लाया था, वो बहुत ज्यादा स्पेशल था, बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला टच था। एंड जितनी तारीफ मैं अगर गोल की कर रहा हूँ, उतनी ही तारीफ मैटिच की भी बनती। जो असिस्ट था वो वर्ल्ड क्लास असिस्ट था यार, क्या प्यारी बॉल डाली थी। गोल जितना आसान लग रहा था, उतना आसान वो गोल था नहीं। वो गोल करने के लिए रोनाल्डो ने 3 चीजें की हैं। पहले उसने ऑफ साइड ट्रैप बीट किया था, देन उसने वो जो टच लिया था, वो टच से जो बॉल नीचे लाया था, एंड थर्ड इज बूम। तो अगर मुझे कुछ कमी लगती है इस टीम में, दैट इज एक मिड में। ऑल्दो आज अच्छा लगे, क्योंकि पहली बात तो मैनचेस्टर उनके सामने थी, तो इतना मिड को काम नहीं करना पड़ता। कोई अच्छी टीम आती है तो उनकी मिड में मुझे फिर भी एक कमी लग, और ज्यादा नहीं, कोई एक ही क्वालिटी मिडफील्डर इनके पास अगर कोई होगा तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी इस चेल्सी टीम में। एंड एक कमी जो लगती है वो नंबर 9 की यार। नंबर 9 की प्रेजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और किसी को सबसे ज्यादा हाई रेट करता हूँ पोजिशन में, नंबर 9 की पोजिशन को करता हूँ, बिकॉज बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उस पोजिशन का। एंड हैवर्ट्स को एज अ नंबर 9 स्टार्ट करवाते हैं, बट ही इज नॉट अ नंबर 9 पोजिशन वाला प्लेयर। क्लब चेल्सी से पहले क्लब में भी हैवर्ट्स जब बुंडस लीगा में एज अ सेकेंड स्ट्राइकर ही खेलता था, एंड सो आई थिंक हैवर्ट्स का गेम भी इम्प्रूव होगा, बहुत अच्छा दिखेगा, और अच्छा दिखेगा वो जब नंबर 9 उसके साथ एक खेलेगा, एक प्रॉपर नंबर 9। सो अगर मैच परस्पेक्टिव से बात करें, किस टीम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये जीतना मैच, क्योंकि चेल्सी को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, चेल्सी इजिली टॉप 4 निकाल जाएगी। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था ये। अगर उनको नेक्स्ट सीजन, आई एम नॉट सीइंग यूसीएल, अगर उनको नेक्स्ट सीजन यूरोप के लिए कम्पीट करना है, सो मैनचेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था। ऑलराइट देन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।